हाय फ्रेंड्स, और आज बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड और एस्टन विला के बीच में जो मैच है। देखिए, एफए कप का मैच है और मैनचेस्टर यूनाइटेड 12 टाइम्स चैंपियन एफए कप के, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा कोई टीम इतना नहीं जीती है। वहीं पर एस्टन विला भी इतना बुरा नहीं खेली है एफए कप में, क्योंकि उन्होंने भी 7 बार ये जीता है, लेकिन लास्ट का लगभग उन्होंने 70 साल पहले जीता था 1957 में। और लिवरपूल ने जॉइंट फोर्थ टाइम्स, मतलब 7 बार जॉइंट फोर्थ हाईएस्ट है ये कप जीता है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड रैंकिंग के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी से फुटबॉल खेल रहा है जब से उनके नए कोच आए हैं, लेकिन लास्ट गेम में उनको रिवर्सल मिला वुल्स के साथ, और बहुत ही खबरें आ रही है कि प्लेयर्स के बीच में अनरेस्ट है, इतना अच्छा तालमेल नहीं है, प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक ये देखना होगा कि इस मैच में कैसे पिक करते हैं, क्योंकि ये मैच चाहेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी डाउट्स हैं। और एक ये डबल हेडर जो एस्टन विला के साथ है, डबल हेडर मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इसके बाद प्रीमियर लीग में भी उनके साथ मैच है, कि कोशिश करेंगे कि ये मैच वो जीत जाए। और हमें इस मैच को कॉल करना बहुत मुश्किल है, शायद इस मैच को मैनचेस्टर यूनाइटेड एज आउट कर सकता है, लेकिन इस मैच में तीनों में से कुछ भी रिजल्ट पॉसिबल है। हालांकि अगर ये गेम ड्रॉ रहता है एक्स्ट्रा टाइम में भी, तो फिर ये पेनल्टीज में जाएगा। चलिए हम टीम की बात करते हैं, और अगर हम लोग बात करें फॉरवर्ड लाइन में, देखिए रोनाल्डो ने 8 गोल किए हैं अभी तक प्रीमियर लीग में, हाईएस्ट स्कोर रह रहा है, 3 असिस्ट भी किए हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इवन दो कई सारी परेशानियां टीम को हुई हैं, मैं ये नहीं कहूँगा इनकी वजह से, लेकिन जो सिस्टम में ट्वीक हुआ है यूनाइटेड के, उससे कई प्लेयर्स को नुकसान हुआ, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और 8 गोल 3 असिस्ट करा हुआ, तो इनको यहाँ ज़रूर लीजिए। यहीं पर हम ओलिवर वॉटकिंस को भी ले रहे हैं। देखिए, ओलिवर वॉटकिंस ने 5 गोल किए हैं एस्टन विला के लिए, 1 असिस्ट किया है, वो हाईएस्ट है प्रीमियर लीग में इनके टीम के लिए। और डैनी इंग्स ने भी अच्छा खेला है हालांकि, लेकिन अभी हम इंग्स को नहीं ले सकते क्योंकि तीनों प्लेयर्स बहुत महंगे हो जाएंगे अगर हम लेंगे तो। अभी हम ओले वॉटकिंस और इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं आगे। यहाँ पर देखिए ब्रूनो फर्नांडिस के, हमें पता है कि 5 गोल किए हैं, असिस्ट भी किए हैं, इस प्लेयर की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। लास्ट गेम में भी वुल्व्स के साथ जब हारे थे तो इन्होंने पोस्ट को हिट किया था, वो गोल होना चाहिए था इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन थोड़े से डेंजरस दिखे थे, और बहुत ही कम प्लेयर्स उस दिन जो यूनाइटेड के जो अच्छा खेले थे जिसमें से ये थे, तो इनको आप टीम में ज़रूर लीजिए। वहीं पर एरिक गोंडिया को भी हमने नहीं लिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, वैल्यू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये प्लेयर बहुत एक्सपेंसिव है, और इसकी वजह से हम अभी इनको नहीं ले रहे। इन्होंने 1 गोल 3 असिस्ट किया है, और गोंडिया इस बार ट्रांसफ़र होके आए हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन कंसिडर करें ना करें ये हम लाइनअप अनाउंस होने के बाद आपको बताएंगे। वहीं पर जॉन मैकगिन, देखिए ये बहुत अच्छी फॉर्म में, 3 गोल 2 असिस्ट किए हैं, इन्होंने एंड टू एंड फुटबॉल खेली है, बहुत ही धमाकेदार प्लेयर है, बहुत अच्छे फॉर्म में है इस सीज़न में, और डिफेंसिव मिडफील्डर भी हैं, प्ले मेकर भी हैं, सब कुछ खेलते हैं, तो ये आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं पर हमने यहाँ पर डगलस लुईस और फ्रेड को इस वजह से लिया क्योंकि देखिए ये दोनों ही प्लेयर्स मैच का टेम्पो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी टीम्स के लिए, दोनों ही टैकल इंटरसेप्शंस फ्लो बना के रखेंगे, तो ये दोनों की बहुत भूमिका रहेगी। और ऐसे मैच में जो थोड़े टेंस मैचेस होते हैं, इन दो प्लेयर्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रह सकती है। डिफेंडर्स की बात करें तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हैरी मैग्वायर श्योर नहीं है कि वो खेलेंगे कि नहीं, यहाँ पर आप एनगोयो को ज़रूर लेना, एरिक कौनसा एनगोयो, कौनसा ने 2 गोल किए थे एक मैच में और बहुत अच्छा खेले थे, टैकल्स इंटरसेप्शन में भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्लियरेंसेस में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको आप ज़रूर लीजिए। वहीं पर इस मैच में डेलो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं डेलो एनगोयो, ये सारे प्लेयर ऐसे हैं जो अटैकिंग डिफेंडर्स को ही लूँगा, क्योंकि डेलो एक विंग पे खेलेंगे, क्रॉसेस बनाते हैं, अटैक करते हैं, और यूनाइटेड के मैचेस में जितना भी ये खेले उसमें ये काफ़ी अटैकिंग थ्रेट दिया है, शॉर्ट क्रेडिंग एक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, तो डेलो को हमने यहाँ सिलेक्ट किया है। वहीं पर हमने दो लेफ्ट बैक्स को लिया है, यहाँ पर हमने लूक शॉ को लिया। लूक शॉ देखिए यूरो कप में तो बहुत अच्छा खेला था, उसके बाद फॉर्म डिप हुई थी, लेकिन दोबारा फिटनेस जब से रीगेन किए है अच्छे शेप में लग रहे हैं, अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, और हमें लग रहा है कि लूक शॉ अटैक में काफ़ी सही रहेंगे। वहीं पर आप बात अगर करें मैट टारगेट की, तो देखिए मैट टारगेट जब से एस्टन विला के लिए जब भी लेफ्ट बैक खेले हैं, ये बहुत इंप्रेसिव प्लेयर है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ये किसी टॉप 4 या टॉप 5 क्लब में मूव कर सकते हैं, और स्टीवन जेरार्ड की मैनेजमेंट के अंडर इनका गेम और फ्लरिश करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंबाइन करते हैं डैनिंग्स के साथ, ओले वॉटकिंस के साथ, ब्यूंडिया के साथ, तो इसलिए हमने इनको लिया है। कीपर में हमने मार्टिनेस को लिया है क्योंकि हमें लगता है कि यूनाइटेड इस मैच में काफ़ी चढ़कर खेलेगा, और मार्टिनेस के बाद सेव करने के बड़े मौके आएंगे।
ये अभी हमने टीम बनाई है, 4-4-2 हमने खिलाया है, 5 प्लेयर्स यूनाइटेड के, 6 प्लेयर एस्टोनविला के, ये 100% चेंज हो सकता है लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद, और अगर इसमें कोई भी सरप्राइजेज होंगे, कोई भी चेंजेस होंगे हम आपको करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये टीम हमें लगता है काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड आपको देगी। और बाकी टीम्स के लिए भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, और अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस भी चल रहा है उसके लिए भी हम लोग टीम्स शेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और होप करते हैं कि आप ड्रीम 11 को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छा खेलते रहें। धन्यवाद।